तो मैंने अभी रात के बज रहे होंगे 11:30 और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है ये वाली ड्रेसिंग टेबल, तो मैंने इसको सारा ऑर्गेनाइज करके अभी रखा है। कचरा निकला बीच में से, अब ये सारा फेंक दूंगी। मतलब सोच सकते हैं आपके कितना गंद होगा। पहले गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। करने लगी अपनी बेडशीट चेंज और शायद ये बाहर आ गई। मज़ नहीं लग रही कि मैं क्या करूँ, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ। मैं लैंप लगाने लगी जो ये वाले कलर के लिए आई थी, वाइट। अब देखते हैं मैचिंग होती कैसे लगता है। आई थिंक पहले पहले लगना है, फिर बस लगाने जा रही हूँ। तुम देखो सही आके कितना लगता करंट पे तू वो तो प्लग तू कितने का लगाए थे बाकी दिखानी है। गुड इवनिंग, आज मैंने पूरा दिन ब्लॉग नहीं बनाया, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने जैसे पिछली वीडियोस में बताया होगा तो मेरे को अपना फेस देख के अच्छा नहीं लग रहा ऐसे कैमरे में। अब तो फिलहाल मैंने इतना ठीक कर ही लिया है, मतलब इरिटेशन नहीं होती अभी। तो बस अभी मैं थोड़ा सा छोटा सा नैप लेके उठी, मतलब मैं सो गई थी लेकिन इनका एकदम से कॉल आया, उसके बाद मैं दोबारा सोने लगी लेकिन मेरे को दोबारा से नींद ही मैंने छोड़ा था। ये बिल्कुल वैसा ही है। और चपातियाँ मेरी बनी हुई हैं, रात को शायद दीदी बनाने वाले हैं। सब कितना अच्छा लगता है ना, बस अब इसको थोड़ा भरने की ज़रूरत है। कुछ टाइम तक ये सब सीनरीज वगैरह लगा के अच्छा लगेगा। एसी भी यहीं पे है तो ज़्यादातर हम गर्मियों में यही बैठेंगे जब एसी शुरू हो जाएगा। मैं जा रही हूँ ऊपर का जो एरिया है ना वो ऊपर वाले से थोड़ा ठंडा है। मैं दीदी गाने लगा के आराम से सफाई कर रही हूँ, मेरे को लग ही रहा था, बट अच्छा लग रहा है सारा क्लीन क्लीन। वहाँ पे दी है काम कर रहे हैं अच्छा अपना। हाँ ये वाला मेरा देखो, बड़े दिनों के बाद यार पूरा देखो मिट्टी मिट्टी के पूरा आ गया। अगर सारे दिन है हो जाए, ये तो धुल दिए ब्रो, ये तुम यूज कर सकते हो, पूरा साफ किया एरिया सारा साफ हो गया ऑलमोस्ट। पहले ये बहुत ज़्यादा ऐसे ना रात को जो मच्छर होते ना छोटे 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 छोटे, वो दीदी के अंदर आते थे, बिकॉज यहाँ पे जाली वाला दरवाज़ा नहीं है ना, तो थोड़ा सा भी दरवाज़ा खोलते फटाफट से आ जाते लाइट के लिए, तो वो सुबह तक तो मर जाते हैं, तो वो सारे ऐसे बिखरे रहते हैं। तो आज कितने दिनों के बाद पूरा साफ साफ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। थक गए होंगे और दीदी को पीनी होती है चाय, तो दीदी के लिए बनाऊँगी चाय और मैं खाऊँगी। पहले पीऊँगी पानी क्योंकि शायद पानी से थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। सो रहे थे, अभी उठ चुके हैं और अब नारियल पानी पी रहे हैं। 1 घंटा सोए आप? ज्यादा 1 घंटा। 1 घंटे ज्यादा? हाँ 3:30 की ट्रेन से पहले सोया था ना, बाद में उठा। मैं आपके फोन की वजह से उठ गई। पर ये सिर फिर नहीं ये दर्द हो रही है। चंपी करूं? नहीं, खेत में काम करना है आंटी। ओके कर लो, चलो आज प्लास लगा के ओके दी ऊपर ले जाएं आपके। हाँ तो मैं सोऊंगी तो तुम तोड़ के वैसे भी नीचे लेके। हाँ वो खाएंगे तो हम लगाएंगे ऊपर। एक फायदा भी होगा कि बच्चे वैसे तोड़ेंगे नहीं। पक्षियों का डर मत। हाँ नहीं पक्षी का डर नहीं। ये रेड होगी दिखाना, थोड़ी कमजोर है क्योंकि गमले में लगी ना। भी कितने साल लगी हुई नहीं। हाँ लगा दो, बड़ी की टेंशन मत लो, मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं, अब नहा लो। झूठी बनाऊंगी मैं। ऐसे बोलोगी दीदी? झूठ बोलती तब भी बोलते फेक जाती। हाँ सही है दी, एदा ही ऐसे थोड़ा आता है। आंटी कहते झूठ बोली, कड़ी मैं बनाऊंगी है। तुम्हें दीदी मेरा बनता है ऐसे बोलना कि दी कोई बात नहीं मैं आपकी भाभी आई हूँ मैं बनाऊंगी। बेचारा पति। मैं ये सारा पैनल साफ कर दूंगी,
रूम अच्छा हो जाएगा। नाचना हमेशा मम्मी से जलाते होते हैं धूप, है ना? जब भी हम धूप जलाते हैं तो मम्मी की बड़ी याद आती है ना। हाँ जी, मम्मी ऐसे करते थे, ये करते। आज मैं खिला रहा हूँ अंचल को दही तड़का। रेडो बोलते हैं, रेडो बोलते हैं दही तड़का। आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग, कमेंट करके बताना। मैक्सिमम जगह पे दही तड़के बोलते हैं। यार आपने दही में पानी डाला तो क्या हुआ? पानी डालते इसमें ज्यादा गाढ़ा होता है। चल ठीक है, वो भी ओके है। अब मेरे को लगता है जब ये प्याज हो जाएंगे ना, उसके बाद आप सीधा दही इसमें डाल दोगे। तो आप क्या करते हो? इससे पतला हो जाता दही। आप क्या करते हो? हम जो मसाला होता है वो दही में डालते हैं, या फिर मसाले को ठंडा होने देते फिर दही डालते हैं, ताकि दही गर्म नहीं होता। आपका दही करता हाँ, आपका दही करता गर्म नहीं रहता। नहीं नहीं, ठीक ठीक, नॉर्मल नॉर्मल। अच्छा, पर उसका टेस्ट बहुत टेस्टी है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा होता है वो। मैंने प्रीति दी को खिलाया, उनको बहुत पसंद आया। मेरे वाला पसंद आया तो मेरे हाथ से आ गया। तो मैंने कभी गार्लिक वाला पेस्ट गार्लिक डालना नहीं, भूल गया। याद ही करवा दिया तूने। अरे नोनी, बस बस ज्यादा नहीं। ये पता क्या बाय बाय होती है, तो मम्मी बोलते हैं गार्लिक और मेरे को होती नहीं, मैं खाना खाती नहीं हूँ पूरे दिन में। हाँ मेरे को हैंकी पकड़ाना, मैं उतनी देर आइस क्यूब लगाती हूँ। नमक दही में कौन डालता, उसमें डालते तड़के में। क्या करते हो आप भी, हल्दी हल्दी सबसे इजी सब्जी लगती है मेरे को ये। जब कुछ ना बनाओ सिर्फ तड़का लगाओ दही में डालो बन गई। बस हम उल्टा करते हैं इसके, है उल्टा कर दूँ प्लीज, मतलब तड़का इच डाल दो। तोड़ने के इस टाइम रात को वो लगे भी। हमारा स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है वो लग चुका है। छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, जैसे ये, बस मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, अच्छे से ग्रो हो बस ये। फटाफट से नवरात्रे आ रहे हैं, मेरी फर्स्ट नवरात्रे यहाँ पे। होप सो सब कुछ अच्छा अच्छा हो। ये अब डालने लगी क्योंकि दही तड़का रेडी है, बस उसमें धनिया, जिससे उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। खराब से खराब सब्जी में भी जान डाल देता धनिया। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में तो। अब खा के बताएंगे हम आपको कि कैसा लग रहा है। आप नहीं खाओगे? टेस्ट कर लेता हूं। ओके, खा के बताओ कैसा बना है। आपके भाई ने बनाया आज। प्रीति कैसा लग रहा है रेडुआ? अच्छा, आज तो प्रीति कोली में खाना खा रही है बड़े वाले में। हां मैंने बनाया, टेस्टी बनाया, बहुत अच्छा बनाया। काफी टाइम के बाद बनाया ना मैंने। हां देखो मेरे को आता है, भूला नहीं हो भी मैं। भूला क्यों है? अंचल कहती गाढ़ा गाढ़ा बनाओ, गाढ़ा नहीं इतना अच्छा लगता मेरे को। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ज्यादा पतला भी नहीं है। देखो अंजू तो करनी पड़ेगी ना। दिखाना, समथिंग इज बेटर देन। देख लो अच्छा है, धनिया भी डाला मैंने इसमें। ये मैगी बनाई थी जो कि बन के अभी तैयार है, इनके लिए चाय बना रही हूँ, अपने लिए भी। तो अभी आंचल बना रही है मेरे लिए खाना और प्रीति ने बनाई है कड़ी। तो कड़ी के साथ खाते हैं चपाती और साथ में बनी है आलू गाजर की सब्जी। आंचल इसमें मटर वगैरह कुछ नहीं डाला ना? मटर आपने लिए नहीं थे। ओहो सॉरी, वैसे मटर अच्छे भी लगते हैं ना आजकल के टाइम पे। गाजर भी ऐसे खराब होगी तो फटाफट आलू गाजर। वैसे भी आंचल आजकल ना मटर अच्छे लगते है ना, क्योंकि मौसम चलेगा उसका। फ्रोजन यूज कर, जो चीज नहीं है उसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है? घर पे नहीं होती ना उसको ऐसे बोलते कि अच्छे नहीं लगते आजकल। ओके, मटर मेरे को अच्छे नहीं लगते। हाँ ओके, वे पहले मैं सोने लगी हूँ, उससे पहले मैंने सारा जो जो भी मेरे को लग रहा था कि कुछ भी क्लीन नहीं किया मैंने, वो सब चीज़ें पहले मैंने किचन को क्लीन कर लिया, अपने पूरे बर्तन क्लीन कर लिए, जो भी एक्स्ट्रा बचे थे सारे क्लीन है। उसमें मेरे कुछ फ्रूट्स हैं जो मैं सुबह खाऊंगी, और पूरी किचन इस टाइम पे क्लीन है। ये रूम भी क्लीन कर दिया है, और इसके बाद बाहर वाला एरिया भी पूरा क्लीन है। इस साइड हमारा सोफ़ा रूम, इसको भी करना है आराम से डेकोर, ये होगा धीरे धीरे। और
का रूम भी क्लीन है, हमारा वरांडा पूरा क्लीन है, सब क्लीन है। और अब मैं लगी हूँ सोने, और सोने से पहले मैंने किया है ब्रश, क्योंकि अभी टाइम तो ऐसे कुछ इतना हुआ नहीं, 9:30 हुए, मतलब सोने नहीं वाली, फ़ोन चलाऊंगी। तो चलो चलते हैं अब अंदर। आई नो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मैं 2-3 कमेंट्स का रिप्लाई अभी कर देती हूँ आप लोगों को। कमेंट है सीमा कुमारी 8441, उन्होंने लिखा है हाय दीपांचल जी एंड प्रीति जी, फर्स्ट कमेंट पंजाब दसूया दसूआ, प्लीज़ अपने व्लॉग में मेरा नाम ज़रूर लेना। बहुत सारे ये कमेंट्स आए हैं कि आप ऐसी क्रीम यूज़ करो, आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, आप कच्चा दूध लगाओ फेस पे, मलाई लगाओ, एलोवेरा जेल लगाओ। मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, मैंने थोड़े टाइम के लिए आइस क्यूब्स वगैरह लगाए थे जिससे अब मेरे फेस को इतनी इरिटेशन नहीं होती और पहले से कम हुए हैं। कल सुबह फिर से लगाऊंगी, दिन में अब एक बार कर दिया बस, मेरे लिए बहुत ठीक है। और उसके बाद मैं ठीक है एलोवेरा जेल लगा लूँगी, बस बहुत है। और फेशियल करवाई थी वो थी O3, और वो मैं हर बार करवाती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट हुआ। एक तो ये था कि उसी दिन मेरे को चाची के घर भी जाना था, और फेशियल जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ उसके बाद सीधा नहा के मैं चाची के घर चली गई और सीधा धूप में गई, तो उस वजह से भी हो सकता है, बट हो गया ठीक है। राजबला देवी 9235, उन्होंने लिखा है आंचल ब्लॉग में मेरा नाम लेना प्लीज़, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू मैम। बहुत सारे लोगों के कमेंट है, आगे भी मैं रिप्लाई करती रहूँगी। एक चीज़ और, आज हम देखने गए थे जो मैंने आपको बोला था कि मम्मा के लिए सरप्राइज़ है, उसमें था हम मम्मा के लिए मंदिर देखने गए थे, है ना सुनो। हम मम्मा के लिए आज मंदिर देखने गए थे ना। हाँ मंदिर तो देखे, लेकिन मम्मी बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसे नहीं समझ आ रही, जब मैं आऊँगी तो मैं अपना खुद पसंद करती रहूँगी। तो हमने सोचा कि मंदिर मम्मी की पसंद का लेना, मम्मी के लिए ही लेना है, क्योंकि मम्मी को ही हम गिफ्ट कर रहे हैं, तो मम्मी की पसंद तो मेन है, तो मम्मी ऐसे निराश तो नहीं होंगे, उनको ये कि ठीक है आप अपना कर लो, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा कि मम्मा को ही हम सरप्राइज दे रहे हैं। और मम्मी बोल देगा लेना तो ले लो, पर मैंने बोला नहीं, क्योंकि मम्मी को था कि मैं खुद पसंद करके लूँगी, इसमें मेरे को कैसे कैसे एडजस्टमेंट चाहिए ना, क्योंकि मम्मा को पता। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। और जब मम्मा और तब तक अब क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं, तो कल, हाँ कल हम जाएंगे माता रानी की, अगर मूर्ति लेनी होगी तो वो लेंगे, हम लेंगे ना सुंदर सी छोटी सी लेंगे, श्रृंगार का सामान और माता रानी की, और चुनरी लेंगे जो उनके नीचे आसन बोलते हैं ना, हाँ वो लेंगे, सब नया नया लेंगे, सारा सामान लेके आएंगे नवरात्रों की पूजा का कल, क्योंकि परसों शायद ग्रहण का बोल रहे हैं, वो आप बताना मेरे को नहीं पता क्या टाइम है, पहले तैयारी कर रखी है सारी ना। और फिर हम नवरात्रि स्टार्ट कर देंगे अपने। सो अगर आपको ऐसे व्लॉग्स, अगर आपके पास कोई आइडिया है नवरात्रों के लिए कि किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, वैसे तो पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी कई बार बच्चों से भूल हो जाती है ना, तो आप लोग बता सकते हो। और मेरा फर्स्ट टाइम है, अगर मेरे से कुछ भी गलतियां होंगी तो मेरे को माफ करना, मेरे को माफ करना, क्योंकि मेरे को इनको भी नहीं पता। और मम्मा यहाँ पे है भी नहीं हमारे, मतलब बड़े यहाँ पे नहीं है, हम सब बच्चे, प्रीति दी भी है ना, हम सबको इतना नहीं पता, और अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज माफ, प्लीज आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट जब तक पहुंचेंगे तब तक हम लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो हमें आइडिया मिल जाएगा और अच्छी तरह से हम लोग नवरात्रों की तैयारी कर पाएंगे। सो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। आपको गुड नाइट बोला था, मैंने आपको गुड नाइट बोला था, लेकिन गुड नाइट अभी होने नहीं वाली, क्योंकि अभी बन रही है चाय। मैं इस साइड पे चाय बन रही थी, उतनी देर में मैंने सारे किचन में सारे बर्तन उस उनकी अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया, और इस टाइम पे अब मैं बोल सकती हूँ मेरी टोटली किचन क्लीन है। मेरे लिए नहीं बन रही, इनके लिए बन रही है, वॉक करने की। और बोलते मैंने आके चाय पीनी, मेरे लिए चाय बना दे फटाफट,